बहुत 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 बड़ा गोल लिया तो उस हिसाब से संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी। कंपटीशन की तैयारी ऐसे नहीं होती है जैसे तुम कर रहे हो। कंपटीशन की तैयारी करने का सबसे पहला उसूल है सेल्फिश बनो। आज से घर वालों से, अगर घर वालों की वजह से डिस्टर्ब हो तो बोल दो घर वाले को, घर वाले को साफ साफ मना कर दो कि घर का कोई काम मैं नहीं करूंगा, रिश्ता नाता तोड़ लो घर वाले से, मना करो। तुम्हें अगर लग रहा होगा, मैंने भी झेला है तो तुम भी, हो सकता है कई सारे बच्चे झेलते होंगे, सुबह दूध ले आओ, शाम को सब्जी ले आओ, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, पिंकी बुआ की बेटी को पहुंचा आओ, मंजू मौसी की शादी में चले जाओ, ये सब नहीं चलेगा। सेल्फिश बनो अपनी पढ़ाई के लिए, आज सेल्फिश बनो नहीं तो कल दुनिया तुम्हारे सामने सेल्फिश हो जाएगी। और तुम बहुत अच्छे इंसान हो के ना कुछ नहीं कर सकते जीवन में, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। सक्सेसफुल होना ज्यादा जरूरी है, अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी नहीं है अभी अभी के समय में। ध्यान से सुनना, पहला काम सेल्फिश बनो, आज से बनो, अभी से बनो। 1% बच्चे को नहीं, 100% बच्चे को मैं कह रहा हूं सेल्फिश बनो। तो ठीक है, सेल्फिश बनेंगे। दूसरा, अननेसेसरी की जो थिंकिंग है लाइक न्यूज़पेपर, अभी मैं नहीं जाऊंगा जहां तुम सोच रहे हो, 90% बच्चे तो कहीं और अटके हुए हैं। सर हम तो घर वालों से कब के सेल्फिश हो चुके हैं, ना घर वाले हमसे बात करते, ना हम घर वालों से बात करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे अगर इसमें इंडल्ज हैं तो छोड़ दो, सेल्फिश बनो। पहला पॉइंट लिख लो, सेल्फिश बनो। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर, टीवी और दोस्तों से गॉसिप करना, ये सब बंद कर दो, बंद कर दो, अभी से बंद कर दो। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, तुम्हें लगा नहीं हमें बड़े बुजुर्ग ने आदत दिलाई थी, सुनो मैं बताता हूं। मुझे ना 2010 मुझे याद है, और पढ़ने से पहले ना मैं वो सारे काम कर चुका हूं जो तुम सोचते होगे 11th 12th में करने की। मैं अब